ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ईश्वर के दर्शन को ना तरसता हो, लेकिन ईश्वर के दर्शन चाहिए तो यीशु हमसे एक बात कहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यीशु हमसे कहते हैं कि हमारे हृदय को निर्मल करने पर हम ईश्वर के दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ कि वो हमारे हृदय को शुद्ध करे और हमारे आंतरिक नयनों को खोलकर उसके दिव्य दर्शन को हमें प्रदान करने के लिए हम पर अपनी करुणा बरसाए। दिव्य दर्शन ईश्वर के चाहते हुए हम प्रार्थना पूर्वक इस गीत के साथ में लें। चरण स्पर्श का हम इंतजार करते हैं, अपने उन्नत प्रताप से तो उतर कर आजा और हम तेरे चरणों का स्पर्श कर सके, तेरे चरणों पर प्रेम चुंबन दे सके, इसके लिए हमें मौका दीजिए प्रभु। तेरे पावन पर्वत की धूलों में तेरे चरण स्पर्श का इंतजार करता, तेरे पावन पर्वत की धूलों में तेरे चरण स्पर्श का करता। उन्नत प्रताप से तू कब उत्तर आएगा, चरणों में देना प्रेम चुंबन। उन्नत प्रताप से तू कब उत्तर आएगा, चरणों में देना प्रेम चुंबन, प्रेम चुंबन। दिव्य दर्शन तू प्रदान कर, दिव्य मिलन मुझो प्रभु। मेरे दिए का तेल अंत हो रहा है, अपने तेल से, अपने अभिषेक तेल से मुझे भर दीजिए, अपने जीव रक्त से मुझे फिर से मेरे हृदय में ज्वालाएं प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तुझसे एक होना चाहता हूँ। हे प्रभु, तू मेरे हृदय का स्वामी बनकर,
हे स्वर्ग के स्वामी, उतर आने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे दिल के दिए का तेल अंधु हो, जीव रक्त देकर ज्वालाए दे। मेरे दिल के दिए का तेल अंधु हो, जीव रक्त सामने उपस्थित हैं। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु हमारे संग प्रेम बनकर, शांति बनकर हमारे भीतर, हमारे हृदय में प्रवेश कर चुका है। प्रभु कहता है, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, वो संसार की शांति जैसी नहीं। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरु मत बनो। प्रभु येसु हमें एक आदेश सामान्य कहते हैं, फिर भी हमें से कईयों का मन अशांत है, हमारा मन डर से भरा हुआ है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जिस शांति का वादा यीशु ने हमसे किया है, उस शांति से हमारा मन, हमारा परिवार, हमारा देश भरने को चाहते हुए, प्रभु की शांति से भरने को चाहते हुए, हम एक साथ प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाते हुए प्रार्थना करें। तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों
बांध रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हे प्रभु यीशु, जीवन के दुखों को हम आपको समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के दुखों से हमें छुटकारा दीजिए। हमारे मन को अपने शांति से भरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी दुखों को दूर करते हुए हमें स्वतंत्र कर दीजिए, क्योंकि वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। हे प्रभु, आप ही वो ईश्वर पुत्र हैं जो हमें स्वतंत्र करता है। हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो? जीवन के राहों में जीवन के राहों में तू भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन के सारे दुखों को समर्पित करते हुए प्रभु, हमें अपनी शांति से भरने को चाहते हुए हम एक साथ मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 शारिया नवरिया नवर सला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 ल
रुतरारिया रुतरारिया लवरिया शरमोरिया प्रभु ने हमें अपनी शांति से हमारे मन को भरा है, हमें स्वतंत्र किया है, हमें पूर्ण रूप से अपना बनाया है। यदि हमें प्रभु के मार्ग पर चलना है तो हमें उस सहायक की जरूरत है जिसका वादा यीशु ने किया था, और वो वादा है पवित्र आत्मा ईश्वर। वो सहायक है जो हमें हमारे जीवन में आगे चलाता है। पवित्र आत्मा को अपना नियंत्रण देने के लिए, पवित्र आत्मा ईश्वर हमारा संचालन करने के लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने पर ईश्वर हम पर अपनी पवित्र आत्मा बरसाएगा, क्योंकि वचन कहता है योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 3:1, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा बरसाऊंगा। प्रभु यीशु अपना आत्मा बरसाने को तैयार है। हम सब मिलकर उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए एक साथ प्रार्थना करें।
पवन्नाए पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजे। हे पावन आत्मा कृपा बन्नाए पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजिए। चिन्हों और चमत्कारों को फिर से प्रदान कर दो। चिन्हों और चमत्कारों को फिर से प्रदान कर दो। अंधेर दूर कर सुवर्ण वैभव बरसा कर भर जाओ। अंधेर दूर कर सुवर्ण वैभव बरसा कर भर जाओ। पवित्र आत्मा मुझ में भर जाओ। पवित्र आत्मा मुझ में भर जाओ। कृपा वरदान प्रदान करने भर जाओ। कृपा वरदान प्रदान करने भर जाओ। पावन आत्मा कृपा बन्नाए पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजे। हे पावन आत्मा कृपा बन्नाए पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजे। शिष्य गणों पर पिंतेकोस्त के दिन उतर आने वाले हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबों पर भी उतर आ जाइए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, जिस प्रकार आपने प्रथम कलीसिया का संचालन किया, उसी प्रकार हम पर भी भरते हुए हमारा संचालन करने को हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिंतेकोस्त का एक नया अनुभव हमें प्रदान कीजिए। शिष्य गणों को यीशु द्वारा कथित वादा। शिष्य गणों को यीशु द्वारा कथित वादा। प्रथम सभा का संचालन करने प्रदत्त वादा। प्रथम सभा का संचालन करने प्रदत्त पंतकोस्त अनुभव बन आज मुझे प्रदान कर। पंतकोस्त अनुभव बन आज मुझे प्रदान कर। धीरज के साथ साक्षी बनने वरदान मुझको दे। धीरज के साथ साक्षी बनने वरदान मुझको दे। हे पावन आत्मा कृपा बन्नाए पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजे। हे पावन आत्मा कृपा बन्नाए पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजिए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, मेरे जीवन में कई सारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। मेरे जीवन के सभी कमियों को, कमजोरियों को दूर करने के लिए हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आप मुझ में आकर भर जाइए। मेरी कमियों का प्रचुरता में बदलने आकर भर जाओ। मेरी कमियों को प्रचुरता में बदलने आकर भर जाओ। बंधनों की जंजीर तोड़ने अनुग्रह प्रदान कर। बंधन
जनों के जंजीर तोड़ने अनुग्रह प्रदान कर, वरदान कृपा प्रदान कर, ए पावन आत्मा वरदान कृपा प्रदान कर, ए पावन आत्मा अभिषेक लेपन से मुझे शुद्ध करने, हाँ वो पावन आत्मा अभिषेक लेपन से मुझे शुद्ध करने, आओ पावन आत्मा हे पावन आत्मा कृपा बनाइए, पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजिए, हे पावन आत्मा कृपा बनाइए, पवित्र आत्मा अपनी शक्ति भेजी, चिन्ह और चमत्कारों को फिर से प्रदान कर दो, चिन्ह और चमत्कारों को फिर से प्रदान कर दो, अंधेर दूर कर सुवर्ण वैभव बरसा कर भर जाओ, अंधेर दूर कर सुवर्ण वैभव बरसा कर भर जाओ, पवित्र आत्मा मुझ में भर जाओ, पवित्र आत्मा प्रदान करने भर जाओ, कृपा वरदा प्रदान करने भर जाओ, कृपा वरदा प्रदान करने भर जाओ, कृपा वरदा प्रदान करने भर जाओ। पवित्र आत्मा ईश्वर आपका संचालन करें, इस प्रार्थना के साथ latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.